फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं जिस सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने बात करने आई हूँ वो है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या है एंड एविएशन में इस ग्रूमिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ग्रूमिंग को अगर हम ग्रूमिंग के बारे में बोले, एक नॉर्मल से जो आइडिया हमारा होता है कि हमको देखने में अच्छे लगे, हमारा हाव भाव सही हो, हम एक प्रॉपर कॉन्फिडेंट दिखे किसी के साथ बात करने के टाइम में, ये सारी चीज़ आता है। ये कहीं हद तक ये चीज़ तो ठीक है, बट अगर इसको और भी डीपली आप समझना चाहते हैं तो ये समझ जाइए कि जो ग्रूमिंग है, आपका जो पर्सनालिटी का जो विकास है, बेसिकली ये दो टाइप का है। एक है एक्सटर्नल ग्रूमिंग, सेकंड है इंटरनल ग्रूमिंग। एक्सटर्नल ग्रूमिंग मतलब आप कैसे कपड़ा पहने हैं, आपका बाल कैसे हेयर स्टाइल किया हुआ है आपने, अगर आप लड़का है तो प्रॉपरली शेव किया है या नहीं, अगर लड़की है तो प्रॉपरली मेकअप किया है या नहीं, कैसा कपड़ा आपने पहना है। ऐसा तो नहीं है कि इंटरव्यू में बहुत भड़कने वाला जो कलर्स होता है वो कलर पहन के आप चले आए, या फिर जरी का काम करता हुआ कोई सूट पहन के आप चले आए। आपका ये जो सारी चीज़ है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कैसे सबको विश कर रहे हैं, मुस्कुरा के कर रहे हैं या नहीं, ये एक्सटर्नल ग्रूमिंग के अंदर आता है। इंटरनल ग्रूमिंग क्या है, मान लीजिए मैंने किसी को भी बहुत अच्छा कपड़ा पहना के बैठा दिया बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो नर्वस हो जा रहा है, उसको ठीक तरह से बात करना नहीं आ रहा है, वो आई कॉन्टैक्ट में बात नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका इंटरनल ग्रूमिंग सही नहीं है। इंटरनल ग्रूमिंग के लिए भी आपको इक्वली काम करना पड़ेगा ताकि आप कॉन्फिडेंट दिखे, आपका जो नर्वसनेस है वो ना रहे, और नर्वसनेस ना रहेगा तो ही आप मुस्कुरा के बात कर पाएंगे, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही हो, सामने वाला क्या बोल रहा है वो पहले ध्यान से सुनने का आदत है आप में, फिर आपका जवाब देने का आदत है, ये जो सारी चीज़ है ये इंटरनल ग्रूमिंग के अंदर आ जाता है। तो एविएशन में ये एक्सटर्नल ग्रूमिंग एंड इंटरनल ग्रूमिंग एक तो आपका इंटरव्यू में एंड थ्रू आउट द करियर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कस्टमर्स को या किसी भी क्लाइंट्स को या फिर किसी भी पैसेंजर्स को अगर आप हैंडल कर रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा, खुद को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा, ये सारा चीज़ ग्रूमिंग के अंदर आता है। ग्रूमिंग एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी एविएशन का इंटरव्यू में या एयरलाइंस का इंटरव्यू में, इसके लिए एक अलग से कॉलम में आपका मार्क्स दिया जाता है, उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, उसमें आपका अपीयरेंस, उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस, उसमें आप कैसे बात कर रहे हैं, अलग 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 कैटेगराइज करके वो मार्क्स दिया जाता है जो इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे इंग्लिश भी बोल लेते हैं और आपका ग्रूमिंग सही नहीं है तो मान लीजिए ये बात, एविएशन इंडस्ट्री में आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप ग्रूमिंग को अच्छे तरह से नहीं कर पा रहे। क्या है ये ग्रूमिंग, ये जानने के लिए मैं एक छोटा सा क्लिपिंग आपको दिखाऊंगी। आज मेरा एक स्टूडेंट है ओम प्रकाश, जिस दिन फर्स्ट क्लास मेरा ऑनलाइन किया था, दैट टाइम कैसा था वो, उसका फोटोग्राफ मैं अपना ये जो वीडियो है इसका थंबनेल एज वेल एज कम्युनिटी टैब में डाल दिया। एट द सेम टाइम आज ओम प्रकाश कैसा है, कुछ ही दिन का ट्रेनिंग के बाद, उनका ट्रेनिंग तो अभी चल ही रहा है, उसका भी फोटोग्राफ मैंने दे दिया है दोनों पास। आप देखिए कि ग्रूमिंग का मतलब क्या है। बहुत कुछ बोल तो मैं सकती हूँ ग्रूमिंग के बारे में, बट एक फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा माने रखता है, जो मेरा कई बात बोलने से ज़्यादा आपके दिल में, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ग्रूमिंग कैसा है और एविएशन इंडस्ट्री के लिए आपको खुद को कैसे ग्रूम करना है। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप ज़रूर करेंगे, क्योंकि नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर आपका नॉलेज होगा तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। एंड इसके लिए मेरा वीडियोस आप देखते रहिए, एंड डेफिनेटली अगर आपको पता होगा कि इंटरव्यू में आपको क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में आपको कैसे जाना होगा, तो श्योरली आपके अंदर भी वो चीज़ डेवलप कर जाएगा एंड ग्रेजुअली आप खुद को ग्रूम कर पाएंगे। तो चलिए मैं बाकी बाद में करती हूँ, सबसे पहले देख लेती हूँ ओम प्रकाश का जो एक्सपीरियंस है, उनको कैसे लग रहा है खुद का ये चेंज देखकर, चलिए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, माय नेम इज ओम प्रकाश झा। सो हम
आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि मैम के बताए हुए रास्ते पे मैंने सिर्फ 3 से 4 क्लासेस अभी तक मैंने किए हैं, जिसमें जो फ़ायदे हमें मिले हैं वो एक हैरतअंगेज कर देने वाली बात आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाला है। वो ये है कि जब फर्स्ट इंटरव्यू सरप्राइजली इंटरव्यू मुझसे लिया गया तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 19 मार्क मिले थे और मैं प्रिपेयरली अपने आप को एबल नहीं कर पा रहा था कि मैं भी इतना अच्छा इंटरव्यू दे पाऊँगा। सो गर्व करने की बात है कि मैम हमारी जिस तरह से मुझे गाइडलाइन दिए उस गाइडलाइन को मैंने कहीं ना कहीं अपने हकीकत में उतारने की कोशिश की और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सो थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने उनका ये चेंज देखा होते हुए एंड उनको ठीक से बात करते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों का जो भी मतलब जो भी उन्नति होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, ये मेरा खुशी का एक बहुत बड़ा वजह बन जाता है। सेकेंड जो बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ग्रूमिंग के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये दोनों साथ साथ ही चलता है आप बोल सकते हैं क्योंकि ग्रूमिंग के साथ इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में कोई ज़रूरी नहीं है जो भी आपको मिलेंगे वो सारा जो लोग होंगे वो उनको हिंदी आता होगा या फिर रीजनल लैंग्वेज आता होगा, बट येस इंग्लिश सबको आता है बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश को ग्रेजुअली आप ठीक करिए। देखिए ओम प्रकाश भी आपको बताएंगे कि कैसे वो ग्रेजुअली अपना कम्युनिकेशन को सुधार रहे हैं, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरा आशा ये रहेगा कि ये वीडियो देखकर आप खुद का ग्रूमिंग के प्रति ध्यान देंगे। ग्रूमिंग का टिप्स के लिए तो आप कुछ भी देख के सीख सकते हैं। आप न्यूज़ रीडर्स को देखते हैं कितना अच्छा ग्रूम्ड होके वो आते हैं, वो कैसे मेकअप करते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी जो मेकअप होता है वो बड़ा प्रोफेशनल मेकअप होता है। इस टाइप का मेकअप आपको भी अगर आप लड़की है तो इंटरव्यू में करना पड़ेगा। लड़का कैसे कपड़ा पहन के आता है, डेफिनेटली टी शर्ट पहन के कोई भी कोई न्यूज़ चैनल में एंकर नहीं होता, उनका भी एक डिसेंट कपड़ा वो पहनते हैं, सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। तो ये सारा चीज़ किस कलर का पहन रहा है, लाइट कलर डेफिनेटली आप प्रेफर करेंगे क्योंकि वो स्टूडियो है, एक अलग बात है क्योंकि आप सुबह इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे एंड ये हमारा जो कंट्रीज़ है ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर आता है, गर्मी होता है तो बहुत ज़्यादा डीप कलर पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, शूटिंग नहीं होगा, तो ये थिंग मैटर करता है। तो चलिए आप सब ग्रूम्ड होते रहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत बड़ा मार्क्स आपका इंटरव्यू में आता है और मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियो बनाते रहती हूँ कि ताकि आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो एविएशन इंडस्ट्री में नौकरी पाने के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।